फिर है आपके पास सिक्योरिटी। अब आपके पास कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी पर्सन है, उसका डाटा जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो पर्सनल होता है। तो उस डाटा को पर्सनल रखने के लिए, उस डाटा को सिक्योर रखने के लिए जो है आप अपने नेटवर्क के ऊपर, अपने सिस्टम के ऊपर, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो सिक्योरिटीज को जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इट इज अ सिस्टम दैट इज यूज टू प्रोटेक्ट ए कंप्यूटर सिस्टम एंड डेटा। तो अपने कंप्यूटर सिस्टम और डेटा को जो है वो इलीगल एक्सेस से बचाने के लिए जो है वो आप सिक्योरिटीज को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सिक्योरिटीज को इम्प्लीमेंट करने की रीजन क्या है कि सम टाइम आपका जो डाटा है, एक तो आपका जो है वो इलीगल वे में आपके जो कंप्यूटर क्रिमिनल्स हैं उसको एक्सेस कर लेते हैं, एक तो आपके पास ये आ जाता है। जो दूसरी आपके पास डाटा की अनऑथराइज पर्सन तक एक्सेस जाती है वो आपकी जाती है एक्सीडेंटल, कि जिस तरह से आपका एक यूजर जो है वो कंप्यूटर को यूज कर रहा है तो विदाउट लॉगआउट किए वो उठ जाता है। तो इस तरह के आपके पास जो है वो डिफरेंट तरह के जो है वो चांसेस आ जाते हैं कि आपका डाटा जो है वो लीगल पर्सन टू इलीगल पर्सन के हाथों में चला जाता है। इन सब से बचने के लिए आपकी इंटेंशनल या एक्सीडेंटल डैमेज से बचने के लिए अनऑथराइज्ड पर्सन से हम अपने सिस्टम के ऊपर, अपने नेटवर्क के ऊपर, अपनी डिवाइस के ऊपर, अपने डाटा के ऊपर जो है वो सिक्योरिटी को जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। डिजास्टर ऑफ सिक्योरिटी वायलेशन, के जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर सिक्योरिटी अटैक होता है या सिक्योरिटी वायलेशन होती है, तो फिर डिफरेंट तरह के लॉसेस जो है वो किसी भी कंपनी को जो है वो फेस करने पड़ते हैं। तो एन ऑर्गेनाइजेशन मे फेस मैनी प्रॉब्लम्स ड्यू टू सिक्योरिटी वायलेशन, के जब आपके लीगल डाटा की जो है वो इलीगल एक्सेस हासिल कर ली जाती है, तो ये आपके पास कहलाता है डिजास्टर ऑफ सिक्योरिटी वायलेशन। तो सिक्योरिटी वायलेशन जब आपकी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ब्रेक हो जाती है तो फिर उस ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो बहुत ज्यादा लॉसेस जो है वो फेस करने पड़ते हैं। तो किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं? नंबर वन है आपके पास लॉस ऑफ हार्डवेयर। सिक्योरिटी वायलेशन में कॉजेज ए लॉस ऑफ हार्डवेयर इन दी ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल एन अनऑथराइज यूजर मे स्टील एंड इक्विपमेंट, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो इक्विपमेंट्स मौजूद हैं, जो आपकी डिवाइसेस मौजूद हैं, तो जो आपका सिक्योरिटी वायलेशन में पहला आपके पास लॉस ऑफ हार्डवेयर आता है, इसमें यह है कि आपका जो अनऑथराइज्ड पर्सन है वो आपकी जो डिवाइस है उसको ही जो है वो स्टील कर लेता है। तो जब आपकी हार्डवेयर ही स्टील हो गई तो आपका डाटा भी उसके साथ चला गया। तो पहला जो आपके पास सिक्योरिटी वॉयलेट करने से आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन का, आपकी कंपनी का जो लॉस आता है वो आ जाता है लॉस ऑफ हार्डवेयर। जो सेकंड है आपके पास वो है लॉस ऑफ प्रोसेसिंग एबिलिटी। लॉस ऑफ प्रोसेसिंग एबिलिटी आपके पास क्या होती है कि आपके जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग है वो डिस्टर्ब हो जाती है, कि आपका जो सिस्टम है उसकी प्रोसेसिंग इतनी ज्यादा स्लो हो जाती है कि उसकी वजह से आप अपने कंप्यूटर को जो है वो यूज नहीं कर पाते। तो ये आपके पास कहलाता है लॉस ऑफ प्रोसेसिंग एबिलिटी। ए सिस्टम में फेस ए लॉस ऑफ प्रोसेसिंग एबिलिटी आफ्टर सिक्योरिटी वायलेशन, कि जब उसके ऊपर सिक्योरिटी जो है वो ब्रेक कर दी जाती है, इट मीन्स कि जब उसके ऊपर सिक्योरिटी अटैक हुआ है तो आपके कंप्यूटर की सिक्योरिटी, आपके कंप्यूटर की प्रोसेसिंग जो है वो इतनी ज्यादा स्लो हो गई है कि वो यूजफुल नहीं रहती। तो एग्जाम्पल दी हुई है, फॉर एग्जाम्पल ए बैंक मे लॉस द बिजनेस इफ द सिस्टम स्टॉप वर्किंग। तो समटाइम्स आप नोट करते हैं कि आपकी प्रोसेसिंग जो है वो इतनी ज्यादा स्लो हो गई होती है कि आपको बहुत ज्यादा जो है वो वेट करना पड़ जाता है। तो इस तरह की ये जो वेटिंग आपकी हो जाती है बहुत ज्यादा, तो इस टाइम पर आपकी किसी भी बैंक का जो वर्किंग है वो ओवरऑल जो है वो स्टॉप कर जाती है। थर्ड आपके पास जो सिक्योरिटी वायलेशन है वो है आपके पास लॉस ऑफ सॉफ्टवेयर। द सिस्टम मे नॉट वर्क प्रॉपरली इफ द सॉफ्टवेयर फाइल्स आर डिलीटेड और डैमेज, कि अगर आपकी सिक्योरिटी वायलेट हुई है तो इट मीन्स कि आपका जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर आपका वायलेट कर गया है,
कि आपका जैसे आपका एक सॉफ्टवेयर है, इवन आपकी जो विंडोज वगैरह इंस्टॉल होती हैं, तो इसकी कुछ जो है वो नेसेसरी फाइल्स होती हैं जो आपके सी ड्राइव में जो है वो पड़ी हुई होती हैं। अब अगर उन सी ड्राइव की जो इसेंशियल फाइल्स हैं उसको डिस्टर्ब किया जाए, उसको डिलीट किया जाए या उसको मॉडिफाई किया जाए, तो उसका लॉस क्या होता है आपके पास कि आपकी जो विंडोज है वो आपकी प्रॉपरली जो है वो रिस्पोंड नहीं करती, या आपकी जो विंडोज आपने इंस्टॉल की हुई होती है वो उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती जिस तरह से एक नॉर्मल विंडो को जो है वो रिस्पॉन्स करना होता है। इसी तरह से आपके पास जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूज कर रही होती हैं, अगर उन सॉफ्टवेयर को जो आपके डाटा की प्रोसेसिंग के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यूज किए हुए होते हैं, अगर उन सॉफ्टवेयर को जो है वो खराब किया जाए, तो ये आपके पास लॉस ऑफ सॉफ्टवेयर कहलाता है। फोर्थ, जो आपके पास सिक्योरिटी को वॉयलेट करने का जो सबसे ज्यादा नुकसान है वो है आपके पास लॉस ऑफ डाटा का। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसका डाटा जो है वो सबसे ज्यादा, इवन उसके पास कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं, इवन उसके यूजर्स उसने हायर किए हुए हैं, सबसे ज्यादा जो लॉस होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सिक्योरिटी वॉयलेट करने से वो है लॉस ऑफ डाटा। लॉस ऑफ डाटा सबसे ज्यादा बुरी तरह से जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो ब्रेक डाउन करता है कि अगर आपका डाटा लॉस हो गया है तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाती। तो डाटा का जो लॉस है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। तो लॉस ऑफ डाटा जो है वो सबसे जो बुरा इम्पैक्ट डालता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर।